नमस्कार दोस्तों, जीना इसी का नाम है। द गुंजन शो में मैं गुंजन एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी आपसे सॉरी, क्योंकि इस ब्लॉग के आने में काफ़ी लेट हो गया। ये दशहरा मॉर्निंग का है और जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने अभी ऑपरेशन कराया था, तो उसके बाद कोई ना कोई गेस्ट आते रहते हैं और जब कोई आता है तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाती। तो देखिए, मम्मी दशहरे की तैयारी कर रही हैं और हमारे यहाँ पे दशहरे पे गोबर के 10 उपले बनते हैं, छोटे छोटे से, और 10 जो ये कुल्लू होती हैं इनमें वो खील और बताशे रखे जाते हैं। तो मम्मी ने यहाँ पे 5 कुल्लू और 5 बाउल में खील बताशे कर दिए हैं और हमारे यहाँ पे रायता और राइस का पूजन होता है, तो आज के दिन यही सब लोग खाते हैं। और ये दीदी हैं, ये भी कल शाम में आई थी और आज सुबह ही, जो आपने अगर मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा उसमें हम दीदी के यहाँ पे गए थे, तो वहाँ से आने में हम लेट हो गए थे, तो हम आज सुबह ही आए हैं। और हमारे यहाँ पे ना एक चारपाई या पलंग बिछा के उस पर चादर डाल के उस पर जो बच्चों की बुक वगैरह होती हैं और जो मतलब कुछ किताबें किताब वो रखते हैं अभी लगाएंगे, पहले पूजा करेंगे उसके बाद। इस चारपाई पे ना बुक्स वगैरह रखते हैं, तो अभी ना अभिषेक ने 2-3 दिन पहले ये पेंटिंग बनाई थी, तो मम्मी ने ये भी रख दी है, तो इसी चीज़ को लेकर हम लोग हंस रहे थे। और ये जो मतलब गोवर्धन की पूजा होती है और दशहरे की, इसको जेंट्स करते हैं और आज उनकी काफ़ी मजाक ली जा रही है ना। इसने ना खुद कॉम्ब किया है और बालों को बिल्कुल चिपका लिया है, पता नहीं क्यों आजकल इसे क्या हो रहा है। हेयर स्टाइल जो बनाता है बालों को बिल्कुल चिपका लेता है। तो यहाँ पर ना 3 लोग हो गए थे, सिया हो गई थी, ओम और इसके पापा, तो मम्मी ने कहा कि 3 लोग नहीं होते तो इसलिए दीदी के भी कलावा बांध रहे हैं। कुल मिला के मतलब 4 होते हैं, तो या फिर 5 भी हो जाते हैं, लेकिन 3 शुभ नहीं माना जाता। तो इस तरह से देखिए, किसी भी शुभ काम को करते हैं तो कलावा बांधते हैं और जो लोटा वगैरह होता है इन पे स्वास्तिक बनाते हैं, तो यही सब हो रहा है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे दशहरा पूजा जाता है। और आज के दिन ही जो ये नवरात्रे हम बोते हैं, जिनको नौरते भी बोलते हैं, उसे बहन भाई के कान पे रखती है। चल चल उधर चल, घूम लो। गायत्री मंत्र बोलने के बाद जो ये चारपाई होती है इसकी परिक्रमा करते हैं और जो मेन होते हैं वो जल का लोटा लेके उसको छिड़कते चलते हैं, और जो पीछे बच्चे चलते हैं वो खील, और जो ये नवरात्रि होते हैं नौरते, इनको इस पे चारपाई पे डालते चलते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे दशहरा पूजा जाता है। और जो ये जल होता है लोटे का, इसको सूर्य भगवान को या तुलसी में अर्पित कर देते हैं, तो बस इसी तरह से हमारे यहाँ पे होता है। और उसके पूजा के बाद जो ये खील होती है इसको सब लोग खा लेते हैं। कितनी खुश हो रही है, उधर उधर दूसरे दूसरे कान पे, कान इधर को नहीं कर सकता, उसे घुमा दिया। अरे छोड़ो, कैसे कान आलो अबे, अब गिफ्ट दो बहन को। ये गिफ्ट तो नहीं, मेरे पैसे दे दे। चुप, थैंक यू सिया। प्यारी कर दे, मैं जाऊँ कर दे, कर दे सिया करेंगे, ओम भी कर दे। ये भी दिलवाना होगा मम्मी, कुल्लड़ का है सारी, हाँ ये दे, ये खिला दे भैया को, बता दे खिला दे, वही ये खिलाएगी, ये खिलाएगी, खिला दे भैया को। बीच के दांत, अरे उसके दांत ही नहीं बेचारे, काटेगा क्या? ऐसा बोलते हैं चबा, दे दो दे दो।
ओम जी आप भी खा लो, एक आप भी ले लो, ये लो खा लो मुझे मम, ये दीदी का दाया को भी लो, ये खुद लो अनाया आ जाओ, मुझे नहीं खाना पसंद ही नहीं है ज्यादा, कोई बात नहीं इसकी मैं ले लो, अनाया ले लो बेटा आप भी, इसे लग सकता है आज तानी आ जाइए, ले लो दीदी ये कर दीदी दारियो लो जाए, एक मिनट कहां किधर से, ये तो तुमने फैशन से लगवाया इधर को देखो कान पे रखवा के, एक हल ओढ़ ले लो, देखना इधर को देखो शिक बस, मुझे तो हाथी को नहीं बनाया है, ओम का भी रख दो इसमें, ओम के ऊपर तो नॉर्मल बस, तुझे सच्ची में ये लग दियो पूरे वाले नीचे 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 ओम थोड़ी सी रखवा ले, अच्छा एक ही दो, एक दो बार रखवा ले, तो हाथ लगवा ले बस, तो फ्रेंड्स दशहरा पूजने के बाद फिर सभी ने खाना खाया, खाने में तो वो राइस और रायता बना था तो सभी ने वो ही खा लिया क्योंकि इनको काफी शौक है, मेरे लिए तो मम्मी ने तोरी और रोटी बनाई थी, तो खाना वाना खा के वो सब तो कर रहे हैं मस्ती, लेकिन मुझे ना फिर थोड़ा खाना खा के घूमना होता है क्योंकि कुछ भारीपन सा फील होता है, उसके बाद मैं थोड़ा टहल लेती हूँ और टहलने के बाद मुझे एकदम से काफी थकान सी फील होती है, तो मैं तो आराम करूंगी क्योंकि उनकी तो वहाँ पे वो चेस खेल रहे हैं बहुत लंबा चलने वाला है, और उसके बाद दीदी चली जाएंगी और कुछ गेस्ट भी आज आने वाले हैं, तो मैं सोची तब तक थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, तो अब मैं आपसे मिलूंगी शाम को, और फिर शाम को मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि गेस्ट आ गए तो उनको जाने में काफ़ी लेट हो गया था, ये नेक्स्ट डे का है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि घर की क्लीनिंग के लिए मम्मी ने किचन का सारा सामान खाली किया हुआ है, और इसका एक रीज़न ये भी है कि घर में ना थोड़ा दीमक लग गई थी, तो दीमक की जो दवाई होती है उसका स्प्रे किया था, तो इसी की वजह से 4-5 दिन बिल्कुल खाली करके रखा गया, तो आज सोच रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके सेट कर देंगे, देखिए काफ़ी टाइम इस काम में लगने वाला है क्योंकि काफ़ी सामान हो जाता है और फिर मम्मी को अकेले करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ बैठे बैठे डब्बे वगैरह मैं साफ़ किए देती हूँ, फिर आराम से जो मतलब हमारी मेड है वो भी आ जाएगी और वो काफ़ी हेल्प कर देती है काम में, तो वो पकड़ा देगी, मैं आराम से इनको लगा दूंगी, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके जो मैं खड़े होकर काम कर सकती हूँ मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके कर लेंगे, और सभी साथ मिल के करेंगे तो जल्दी भी हो जाएगा, तो सबसे पहले मैंने जो ये अलमीरा थी ये साफ़ कर ली है, और दवाई का स्प्रे किया था तो कई दिन से हमने इसको ऐसे खाली और खुला छोड़ रखा था जिससे कि स्मेल अच्छी तरह से निकल जाए, तो अब ऐसी कोई स्मेल नहीं आ रही, लेकिन फिर भी हमने इसे कई कई बार साफ़ किया क्योंकि देखिए खाने पीने की चीज़ें रखी रहती हैं और उसमें जो स्प्रे की अगर स्मेल आई तो सारा मतलब कुछ बेकार ही हो जाएगा, तो मम्मी ने कहा कि ध्यान रखना जितना हो पाए बस उतना ही करना, और ये चीज़ मुझे भी पता है कि मतलब मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए करूँगी, तो सबसे पहले मैंने जो ये अलमीरा है इसको साफ़ कर लिया है बहुत अच्छे से, कई कई बार मैंने इसको साफ़ किया जिससे कि स्मेल बिल्कुल ना आए, और तब तक आरती भी आ गई थी, तो बस ये ला के अब मुझे डब्बे पकड़ा देगी और मैं इनको फटाफट से इसमें रख दूँगी, तो इस तरह से मिल के हमने सब ने काम किया, मम्मी भी लगी हुई हैं दूसरी साइड में वो जो मतलब मिरर वाला है उसको साफ़ कर रही हैं, और फ्रेंड्स एक बात है जब हम मतलब सामान निकालते हैं जब इतना टाइम नहीं लगता तब तो हम फटाफट निकाल के ऐसे ही उल्टा सीधा रख देते हैं, लेकिन जब सामान को सेट करना होता है तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि उसमें हमें ध्यान रखना होता है कौन चीज़ कहाँ पे रखनी है, और थोड़ा अच्छे से करके हम रखते हैं,
तो ये जो मतलब दाल वगैरह है इनको मैंने मम्मी से बोल दिया कि मैं अपने आप ही करूँगी। मम्मी कह रही हैं कि तुम हट जाओ मैं कर दूँगी, तो मैंने कहा नहीं इसको मैं कर लूँगी, क्योंकि ना कुछ दिन बाद ये सामान ज़्यादातर मुझे को यूज़ करना होता है, और जब सामान हम अपने हाथ से रखते हैं ना तो आसानी होती है उसको यूज़ करने में। तो मैं कह रही हूँ कि आप उधर का साफ़ कर लो, इसमें मैं जो मतलब डब्बे वगैरह हैं उनको मैं अपने हिसाब से ठीक से खुद ही रखूँगी। और आरती के आने से काफ़ी हेल्प मिल जाती है, और बच्चे अभी के आने का टाइम हो जाएगा क्योंकि फिर उनका दोपहर का खाना भी बनना है, तो हम सोच रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा काम ये जो है सेट करने का हो जाए। वैसे सारा तो अभी एकदम नहीं हो पाएगा क्योंकि लगता ही है, थोड़ा फास्ट में भी दिखा रही हूँ, ये सब काम करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मम्मी ने कहा कि मैं करूँगी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं ये डब्बे मैं खुद ही सेट करूँगी, आप बाकी साफ़ कर दो, और जो क्रॉकरी का है वो भी मैं सेट करूँगी, नीचे का आप कर देना क्योंकि मुझे बैठ के करने में प्रॉब्लम है। तो इस तरह से हम तीनों लगे हुए हैं, और आरती मुझको भी सामान पकड़ा रही है, बीच बीच में मम्मी को भी। और आज काफ़ी दिनों बाद काम कर रही हूँ, तो मतलब थोड़ा धीरे धीरे ही मुझसे हो रहा है, वैसे कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं हो रही, बस हाँ स्पीड काफ़ी स्लो है, ये तो मैंने फास्ट में चला रखा तो इसलिए लग रहा है, तो ये सब काम करने में भी काफ़ी टाइम लग गया। और इधर मम्मी और आरती लगी हुई हैं। तो फ्रेंड्स अभी ना जो हमारा मतलब मेन किचन वाला एरिया है वो रह रहा है, हम सोच रहे हैं पहले इधर का पूरा कंप्लीट करके इसमें सामान सेट हो जाएगा, किचन का बाद में निकालेंगे क्योंकि उसमें भी दवाई का स्प्रे करना है और वो भी 2-3 दिन खाली रहेगा। तो देखिए अलमीरा तो मेरी सेट हो गई एकदम से, बस अब जो एक क्रॉकरी वाला है ये मैं सेट कर दूँगी, लेकिन थोड़ी सी ना थकान मुझे अब फील होने लगी, तो मैं सोच रही हूँ कि बस जो ये मसालों के डब्बे हैं छोटे छोटे डब्बे हैं इनको सेट करके, और जो थोड़ा बहुत क्रॉकरी का हो पाएगा वो ठीक है, वरना फिर मैं मतलब शाम को या जब भी मुझे ठीक लगेगा मैं तब कर लूँगी। तो एक तरह से हमारी दिवाली की सफाई भी हो जाएगी, और ये भी वैसे अच्छा ही हुआ कि दोनों काम साथ में हो गए, तो इस तरह से दिवाली के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। और मुझे लग रहा है कि जिस स्पीड से हम कर रहे हैं हमारी जो सफाई है वो दिवाली तक जाके ही कंप्लीट होगी, खैर जैसे भी होगा देखा जाएगा। ये मिरर वाला एरिया मम्मी ने साफ़ कर दिया था, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा सामान इसमें भी सेट कर दूँ, लेकिन मुझे काफ़ी थकान से फील हो रही है, तो मम्मी कह रही हैं कि जाओ आराम कर लो, तो मैं सोच रही हूँ बस थोड़ा सा करके बाकी फिर देख लूँगी। मैं तो आराम करने के लिए जा रही हूँ, और मम्मी और आरती अभी लगे हुए हैं, और इन पे काफ़ी काम है अभी करने के लिए। और अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा आराम करके मैं सिया को धीरे धीरे जाके ले आऊँगी, तो बस मम्मी लगी हुई हैं। और फ्रेंड्स इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड, उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, टेक केयर, बाय बाय।